नमस्कार गाइस, तो ओरिजिनल स्टोरीज एट द रेट अनदेखी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। गाइस, आप ये देख रहे होंगे हम आज किस तरीके की लोकेशन पे है, तो आप गैस तो कर सकते होंगे। एक्चुअली में आज हम आए हैं एक रिजर्व फॉरेस्ट में। ये है हम लोग संजय वन, जो कि अरावली जो फॉरेस्ट रेंज है उसमें आता है। और आप यहाँ पे बोर्ड दिखा दीजिए किस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट यू आर इनसाइड अ नोटिफाइड रिजर्व फॉरेस्ट, इन्जॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर एंड प्रिजर्व इट फॉर योर चिल्ड्रेन। तो गाइज, अब हम यहाँ से चलते हैं अंदर की तरफ और आपको दिखाएंगे कि किस तरीके का है संजय वन। और गाइज, आपको ये भी साथ के साथ बताता चलूँ कि इस फॉरेस्ट की कुछ कहानियाँ एक फेमस है कि यहाँ पर जो है कि रात के टाइम पर या फिर दिन में जब यहाँ पर कोई नहीं आता जाता, तो उस टाइम पर यहाँ पर बच्चों की आत्माओं की आवाज़ें सुनाई देती हैं। क्योंकि गाइज, आप देखेंगे अभी ये बहुत ज़्यादा आगे जाकर ये बहुत डेंस फॉरेस्ट में चेंज हो जाएगा, क्योंकि आगे जाके एक बिल्कुल घना जंगल है और उसके बाद वहाँ पर मोस्टली एक तरह से बहुत ज़्यादा आपको वहाँ पर कोई नज़र नहीं आएगा। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ हैं। और हमें जो है काफ़ी लोगों ने बताया, वो देख लीजिए किस तरीके से वो इतना बड़ा एक गिरगिट जा रहा है वहाँ पर। तो गाइज़, ये फॉरेस्ट है बिल्कुल, ये कोई पार्क की तरह नहीं है। इट इज़ लाइक अ ट्रू नेचुरल फॉरेस्ट जो आज तक किसी ने लाइक टच नहीं किया है, गवर्नमेंट ने भी एक तरह से, क्योंकि ये जैसा था इसको उसी तरीके से प्रिजर्व किया हुआ है। बट आज हम इसको देखेंगे और यहाँ पर ये भी देखेंगे कि अगर इनकेस हमें भी कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ वगैरह यहाँ पर कुछ दिखती हैं तो हम आपको कैमरे के सामने ज़रूर दिखाएंगे। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। यहाँ पर ये एक नाला सा है यहाँ पे दिया हुआ है, इसके ऊपर ये कि ये पुल बना रखा है यहाँ पर। आप आते रहिए आगे, पूरा दिखाते रहिए कि किस तरीके का ये एक बिल्कुल सिटी फॉरेस्ट है, जो कि अभी भी एक तरह से हम कह सकते हैं कि अनटच है, क्योंकि यहाँ पर मोस्टली मेरे को लगता नहीं यहाँ पर कोई आता है और यहाँ पर कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ की वजह से भी लोग नहीं आते हैं। ये गाइस आप देख सकते हैं दिल्ली में पाए जाने वाले सांप जो कि यहाँ पर मिलते हैं, ये एक कुछ स्नेक्स की वैरायटी दी गई है जो यहाँ पर आ रहे हैं। ये किसी ने कट किया हुआ है, आई डोंट नो ये क्यों किया हुआ है, बट यहाँ पर ये स्नेक्स भी हैं जो इस जंगल में पाए जाते हैं। आइए अब आगे की तरफ आपको दिखाते हैं। चलिए आगे की तरफ आप देख सकते हैं गाइस कि किस तरीके से ये जो जंगल है, ये जंगल गाइस बताते हैं ये एक तरह का खौफनाक जंगल भी है एक तरह से आप बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ना बहुत सारी जो कहानियाँ हैं वो कहानियाँ बहुत बोली जाती हैं। मैंने भी यहाँ के बारे में काफ़ी कुछ सुना है कि यहाँ पर जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ है, एक्चुअली में क्या है ना कि रात को यहाँ पर बच्चों के सुनाई देने की आवाज़ के लिए बहुत ज़्यादा बोला जाता है कि यहाँ पर जो बच्चों की आवाज़ है वो बहुत सुनाई देती है। और वहाँ की तरफ देख लीजिए, वहाँ पर वो पानी झरने की तरह वो वहाँ से फ्लो में आ रहा है पानी, उसकी आवाज़ आ रही है, शायद आपको आ रही होगी आवाज़। और गाइस आप देख सकते हैं कि किस तरीके से है ये, और हम आपको आगे की तरफ लेते जा रहे हैं गाइस। और यहाँ पर जो है आप देख सकते हो कि किस तरीके से ये जो जंगल है ये पूरा एक तरह से एक वीरान तरीके का जंगल है। आप देख सकते हो किस तरीके से ये है, आप इधर दिखा दीजिए कि पूरा का पूरा यहाँ पर कोई भी नहीं आता जाता, यहाँ पर जो स्नेक्स है जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो भी यहाँ पर जो है मिलते हैं। तो बने रहिए, अब आगे देखते हैं क्या होता है हमारे साथ। तो गाइस अब हम आ गए हैं एक इस जगह पर, देख आप ये देख सकते होंगे सामने कि कितना यहाँ पर एक घना जंगल है। और आपको मैं बता दूं कि हम एक ऐसे पॉइंट पर आ गए हैं, यहाँ पर एक मुझे कुआं भी दिख रहा है, मुझे एक बार दिख दीजिए कैमरा, मैंने एक बार दिखा देता हूँ यहाँ से। आप गाइस देख सकते होंगे कि ये सामने हमारे एक ये जंगल के बीच में एक ये कुआं है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से लगता है। ये देखिए गाइस ये कितना गहरा है, आप देख सकते होंगे। तो आप इस चीज़ से आप सोच सकते हो कि ये कितना एक डेंस फॉरेस्ट है। और यहाँ पर गाइस ये जो हमने
अनऑफिशियली जो गार्ड्स होते हैं उनसे भी पूछा है कि यहाँ पर जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं वो यहाँ पर रात में होती है या नहीं होती है, तो उनका भी यही कहना है कि यहाँ पर इस तरीके की बच्चों की रोने की आवाज़ें और दिन में कई बार दिन में भी उनको कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो सुनाई या फिर मतलब जो दिखाई देती हैं कई बार, तो ये उन्होंने भी हमें अभी जस्ट कन्फर्म किया है। तो आप बोल सकते हैं गाइज़ ये एक नेचुरल जगह है, बट नेचुरल जगह के साथ साथ ये एक आप कह सकते हैं कि ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी से भरी हुई जगह भी आप इसको शायद बोल सकते हैं, जितना हमने इस जगह पर आकर अभी इसे समझा है। आप ये देख सकते हो गाइस कि किस तरीके से, ये देखो आप कि ये बिल्कुल हम लोग एक तरह से बिल्कुल एकदम बीच में आ गए हैं। आप अगर आपको मैं दिखाऊँ तो आपको सामने वो मोर भी दिख रहा होगा, वो देखो गाइस। तो हम लोग आ गए हैं संजय वन के एक तरह से बीचों बीच। अभी इसमें हम लोग उस जगह पर जाएंगे जहाँ पर बताते हैं कि जहाँ पर थोड़ा सा जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ जो लोगों को दिखी है, और जहाँ पर बताते हैं कि वहाँ पर कुछ आवाज़ें वगैरह भी आती है रात को, और दिन के टाइम पर भी कुछ कुछ एक्टिविटीज़ जो हैं वो नोटिफाइड हुई हैं। देखते हैं अभी हम लोगों को क्या दिखता है, बट हम लोगों को अभी तक ऐसा कुछ पैरानॉर्मल तो नहीं दिखा, बट हमें ये ना ये ऐसा दिखा है कि जैसे एक बिल्कुल ट्रू फॉरेस्ट, और जो कि हमें जो है ये चीज़ हमें मतलब एक्सपेक्ट नहीं थी कि दिल्ली में भी ऐसी कोई जगह हो सकती है, और बट हमने आज ये चीज़ देख के मुझे ये अच्छा भी लगा है कि एक नेचुरल चीज़ है यहाँ पे, बट देखते हैं अभी क्या होता है। तो गाइस आप देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पर है। गाइस यहाँ पर सांप भी बताते हैं कि यहाँ पर अलग अलग तरीके के सांप भी पाए जाते हैं, और रात को ये आप देख सकते हो किस तरीके का हो जाता होगा यहाँ का एटमॉस्फेयर भी, ये देख सकते हो आप। ये बहुत ही ज़्यादा एक गहरा घना एक जंगल है। जंगल ये इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर जो पुराने ज़माने से लेके आज तक इसको प्रिजर्व करा गया है, और इसमें किसी प्रकार की यहाँ पर छेड़छाड़ नहीं की गई है, क्योंकि यहाँ पर जो ये मुझे ना पीछे से ना ऐसा लगा कि कई बार जैसे पीछे से ना कुछ पत्तों पत्तों की कुछ आवाज़ आ रही हो, पत्ते आई थिंक पत्ते गिर रहे हैं, जहाँ जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं वहाँ पर हमें ऊपर से पेड़ों से ना पत्ते भी गिर रहे हैं, और आई डोंट नो क्यों गिर रहे हैं। ये देख सकते हो गाइस आप, यहाँ पर सांप वगैरह बहुत सारी चीजें। ये क्या था अभी यहीं से आवाज आई ना, यहाँ इधर से आवाज आई है ना, ये कुछ एक मिनट मैं इसमें आगे जाके देखता हूँ। ये देखिए गाइस यहाँ पर अब हम इससे और आगे अंदर की तरफ जा रहे हैं। आप ये देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पर एक ये आप एक मेरे को ना एक चीज़ यहाँ पर दिखिए गाइस, आई डोंट नो ये क्यों है, आप ये देख सकते होगे ये कुछ रस्सी टाइप की है कुछ ऊपर तक। गाइज ये सीरियसली यार ये बहुत ज़्यादा ना बहुत ही ज़्यादा शिट खौफनाक लग रहा है मुझे, और हम लोग और आगे जा रहे हैं अब सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। आप देख सकते हो ये एक दलदल है यहाँ पर सामने, ये आप देख सकते हो किस तरीके का एक ये दलदल दिया हुआ है। इस टाइम पर यहाँ पे गाइस दूर दूर तक मुझे एक भी इंसान नज़र नहीं आ रहा यहाँ पे। आप देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर है वो दिन में भी एक बहुत ही ज़्यादा एक वीरान और एकदम
सुनसान शांत एकदम। यहाँ पर यार कोई भी, आई डोंट थिंक सो। शिट, ये आवाज़ किस चीज़ की आई है? ऊपर से कुछ गिर रहा है, उसकी आवाज़ होगी। यार गाइस आपको मैं एक चीज़ बताऊं तो, हम ना जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर कुछ पत्तों की आवाज़ आ रही है, और पत्तों के साथ साथ यहाँ पर हमें ऊपर से कुछ कुछ ऐसा लगता है कि एकदम से कुछ गिरता है। आई थिंक इस तरीके से फील होता है कि कोई हमारे ऊपर कोई कोई पत्थर फेंक रहा हो ऐसे कुछ। लेकिन वो चीज़ क्या आई है यहाँ पर, क्या गिरा था वो? कुछ है, कुछ देखा आपने? देखा नहीं मैंने। अब हम यहाँ से अंदर की तरफ जा रहे हैं जहाँ पर बताया जाता है कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ देखी गई हैं। ये यहाँ पे ना जाले भी हैं, थोड़ा ना आराम से आना। और एक सेकंड एक सेकंड, ये यहाँ पर जाले हैं, बहुत ज़्यादा जाले हैं मकड़ी के। नीचे ध्यान से आना, देख कर आना प्लीज़, नीचे देख कर आना गाइस। यहाँ पर ना बताया गया है कि जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं वो इस जगह के ऊपर जाने पर महसूस हुई है कई बंदों को। अब हम आपको लगातार आगे की तरफ लेकर जा रहे हैं। आई डोंट नो कि क्या मिलेगा आगे, बट देख सकते हो गाइस, आपके लिए हम लोग हर एक जगह पर जाकर रिस्क लेते हैं। यार मेरे ना मकड़ी भी चढ़ गई थी ऊपर अभी एक। चलो चलो चलो, क्या था अभी? वहाँ से आवाज़ आई है सामने से, उधर से। तो गाइस अब आप देख सकते हो कि हम लोग यहाँ से अब आगे की तरफ जा रहे हैं। अब आपको मैं दिखा, ओह शिट शिट, ये देखो गाइस ये किस तरीके से, ये एक ये पेड़ है देखो, यहाँ पे कुछ नहीं है एक्टिविटीज़, बट वो वाला पेड़ देखो किस तरीके से हिल रहा है, वो सामने वाला वो जो पेड़ है लगातार हिल रहा है वो। शिट यार, ये कैसे पॉसिबल है? ये देखो गाइस यहाँ पर कोई भी हवा नहीं है, पत्ते नहीं हिल रहे हैं, बट वो जो पेड़ है वो सामने, वो किस तरीके से उसके टहनी वगैरह सब हिल रही है वहाँ पर। आई डोंट नो कैसे हिल रही है। शिट यार, ये यार बहुत ज़्यादा, मैं पीछे की तरफ आ जाता हूँ गाइस एक बार, सॉरी, बट मेरे को यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक डर लग रहा है यार। एक सेकंड, ये कुछ समझ में नहीं आया मुझे बिल्कुल भी, क्योंकि वहाँ पर जो पेड़ है वो क्यों हिल रहा है यार? आप देख सकते हो गाइस ये बीच में ये एक वाटर के लिए भी एक नाला टाइप का कुछ बनाया हुआ है इन लोगों ने, शायद वहाँ पर ये जो जंगली जानवर होते हैं उनके पीने के लिए या फिर कुछ है, इसी वजह से यहाँ पर ये एक वाटर के लिए वहाँ पर ब्रिज भी बनाया हुआ है। तो गाइस अब आप ये देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा एक घना एक पूरा जंगल है जहाँ पर हम लोग आपको अंदर की तरफ, और ये देख सकते हो आप किस तरीके से ये पक्षी भी एक, आई थिंक ये कौन सा पक्षी होगा, ये आई थिंक कोई हंस टाइप का कुछ लग रहा है, ऊपर उड़ गया वहाँ पर। आ जाओ आगे की तरफ आ जाओ, थोड़ा ध्यान से चलना क्योंकि ये गाइस आप देख सकते हो वो सामने वहाँ पर जो बांस के पेड़ हैं उसी में ही मोस्टली जो अजगर सांप जितनी भी चीज़ें होती हैं ये जंगली जानवर वो मिल सकते हैं। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, मकड़ी है। आप देख सकते हो ये किस तरीके का एक जंगल है, और ये रात को कितना खौफनाक लगता होगा यार। आते जाइए आप आगे की तरफ, आते जाओ गाइस। अभी हम ना जो पीछे गए थे तो आपने देखा होगा कि एक वो पूरा जो है पेड़, जो वहाँ पर एक पेड़ था वो काफ़ी शेक भी कर रहा था। आई डोंट नो क्यों हो रहा था शेक, क्योंकि उसके नीचे कुछ जानवर भी नहीं था, ना ही कोई हवा थी वहाँ पर जो वो वहाँ पर वो मूव हो सके पेड़।
बट वो हो रहा था पेड़ मूव। ये बहुत सा गाइस, ये बहुत तरीके गाइस, ये बहुत तरीके के यहाँ पर ना चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। एक बार ना थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि ये जो पेड़ है देख लो आप, देख रहे हो आप कितना ये घना पेड़ है। यहाँ पर ये सब पूरा एक नदी है, ये जो साइड में जा रही है अंदर आगे की तरफ। चलिए गाइस आपको आगे की तरफ लेके चल रहे हैं, थोड़ा ध्यान से आना है। आगे चलना चाहिए उधर, तो गाइस हम लगातार आगे की तरफ जा रहे हैं आपके लिए, आप देख सकते हो। ओह शिट, पीछे चलो पीछे चलो पीछे चलो, सांप है वहाँ पे, सांप है, सांप ब्लैक कलर का कोबरा मैंने देखा भी वहीं पे, जस्ट वहीं पर एक कोबरा है। वो जो ये देख रहे हो सामने पेड़ है, ये वाला इधर, इसके बिल्कुल जस्ट बराबर में लिपटा हुआ है उसके। गाइस ये बहुत ही ज़्यादा एक खतरनाक जगह है, दिन में जंगली जानवर है, और रात को यहाँ पर बोला जाता है कि काफ़ी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ रहती है। आप आगे बैक साइड चलो, पीछे चलो पीछे चलो, ये यहाँ पर कोई इंसान हमें तो नज़र आया नहीं अभी तक। चलिए आगे की तरफ देखते हैं, हम आगे की तरफ जाकर देखते हैं गाइस। उधर की तरफ स्नेक था तो हम इधर से नहीं जा रहे हैं, हम आगे की तरफ से जाएंगे, दूसरी जो पगडंडी होगी उधर से जाएंगे, और आपको दिखाएंगे लगातार कि क्या रहता है हमें आगे, कैसे दिखाई देगा। तो गाइस ये तालाब है जो अभी हम यहाँ पर जस्ट हमने अभी विजिट किया है, तो हमने देखा है कि ये एक्चुअली में जो DDA है उसने यहाँ पर जो तालाब है, 5 तालाब इस तरीके के बनाए हुए हैं, जिसमें कि ये लोग जो है वाटर की हार्वेस्टिंग के लिए यहाँ पर जो तालाब है ये बनाए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ये सामने कमल के फूल भी हैं, तो इसको कितने एक अच्छे तरीके से यहाँ पर एक प्रोटेक्शन टाइप की दी गई है, देख सकते होंगे अभी ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये सब, ये देखकर बहुत एक अच्छा फील भी आता है कि हमारी गवर्नमेंट काफ़ी अच्छे काम भी कर रही है। ये है वो एक पूरा तालाब, मैं आपको सामने से भी दिखा देता हूँ एक बार, ये देखिए गाइस। अब आपको हम एक दिखाते हैं, यहाँ से एक नील गाय गई हैं दो, आपको दिखाता हूँ आगे चलो, सामने खड़ी है गाइस यहाँ पर नील गाय, दो नील गाय हैं ये देखो गाइस, एक मिनट, ये हमने पहली बार, मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखी है ये नील गाय। थोड़ा पीछे की तरफ हो जाओ, ये भाग कर आएगी और ये बिल्कुल अटैक कर देगी। ये देखो गाइस ये सामने से यहाँ से जा रही है जो नील गाय है, इसके पीछे एक और है यार, यहाँ पर एक और, एक बार देखना बाकी जाके, दो नील गाय हैं यहाँ पर। है अभी गाइस वहाँ पर आगे चली गई है वो गाय, तो इससे आप समझ सकते हो कि ये कितना डेंस फॉरेस्ट है, और यहाँ पर नील गाय भी पाई जाती है। आगे की तरफ बढ़ रहे हैं गाइस, हम देखते हैं आगे और क्या मिलता है। तो गाइस आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये आगे एक पूरा भी ये जंगल स्टार्ट हो चुका है, और हम इस जंगल में आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, और आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर कितना घना यहाँ पर पेड़ों का एक झुंड है। और यहाँ पर गाइस यहाँ पर कोई मुझे कोई भी इंसान नहीं दिखा, मेन गेट पर सिक्योरिटी वाले बैठे हुए थे, बट यहाँ पर मुझे कोई भी नहीं दिखा है। इधर की साइड में आई डोंट थिंक सो कोई गार्ड वगैरह भी कुछ है, कोई है यहाँ देख सकते हो किस तरीके से है ये। गाइस ये
रात को वाकई में बहुत ज़्यादा खौफनाक लगता होगा। हम आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो गाइस अब हम चल रहे हैं उस वॉच टावर पे, जहाँ से आपको इस पूरे जो ये जो जंगल है इसमें पूरा दिखेगा आपको कि किस तरीके का ये जंगल ऊपर से दिखता है। तो चलिए दिखाते हैं हम आपको। तो गाइस अब आप ये देख रहे हैं संजय वन को बिल्कुल टॉप पर से, जो अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं उसके ऊपर जो यहाँ पर मचान बनाई गई है उसमें से हम आपको ये जंगल दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये लगता है ऊपर की तरफ से। इसका जो एरियल व्यू है एक तरह से वो दिखा रहे हैं हम आपको, और ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। और हम आपको एक चीज़ दिखाएंगे, आप सामने की तरफ अगर आपको दिखे तो आपको बिल्कुल सामने वहाँ पर कुतुब मीनार भी दिखेगी। ये देखिए वो सामने है कुतुब मीनार, जो संजय वन से बिल्कुल क्लियर व्यू आ रहा है, हम देख सकते हो। एंड इट इज सो ऑसम एंड इट इज लाइक द हेवन ऑफ नेचर, बहुत खूबसूरत है गाइस। गाइस अब हम यहाँ से ये पहाड़ी से नीचे उतरते हुए, ये एक्चुअली एक पूरा पहाड़ है, ये एक्चुअली इस जंगल के अंदर ये पहाड़ी है, जो अरावली के जो पहाड़ होते हैं वो सारे पहाड़ ही हैं जो काट काट कर उनको बनाया गया है यहाँ पर, ये जो रास्ते हैं कच्चे रास्ते। और मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ गाइस कि ये देखिए किस तरीके से, ये देखिए आपको ये शायद दिख रहा होगा, ये एक प्योर जंगल है गाइस, आप इसे देख सकते हैं कि यहाँ पर तरह तरह के जानवर यहाँ पर हमें दिख रहे हैं। और आप यकीन मानिए ये बहुत ज़्यादा एक डेंस फॉरेस्ट है, जिसमें हमें अलग अलग तरीके के सांप की आवाज़ें भी आई हैं, जैसे कि रैटल स्नेक जो होते हैं, रैटल स्नेक की जो जो आवाज़ जो वो करते हैं अपने बैक साइड से, जो पूंछ में जो उनके एक रैटल होते हैं, तो उसकी भी आवाज़ हमें काफ़ी आ रही है। मतलब हम लोग इस तरह के जैसे जो घने पेड़ की जगह होती है उन तरफ से, उनकी अंदर से ये आवाज़ आ रही है हमें। और आपको मैं बताता चलूँगा, ये ना पता क्या है कि ये आप यहाँ पर आओगे तो आपको ये चीज़ फील हो जाएगी कि आप लोग यहाँ पर अकेले अगर इनकेस अगर आप आते हैं तो आई डोंट थिंक सो कि आपके लिए सेफ है, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली में जो जंगली जानवर हैं उनका ख़तरा सबसे ज़्यादा है, क्योंकि हमें भी खुद नहीं पता कि कब कहाँ से नीलगाय आ जाए और हम पर हमला कर दें, क्योंकि हमें नीलगाय भी हमें काफ़ी काफ़ी बार दिख चुकी है। तो हम लोग अपने ना पैरों की आवाज़ भी नहीं कर रहे हैं इस टाइम पर, जितने कम हो सकता है उतना पैरों की आवाज़ कम कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है पीछे से कोई जानवर आप आकर हमला कर दे, क्योंकि यहाँ पर गाइस कुछ भी हो सकता है, पेड़ों पर भी हो सकता है कि सांप हो जो हम पर भी गिर सकते हैं, और कुछ नहीं कह सकते यार। आप ना पता क्या है कि जंगल में आप आए हो तो जंगल में तो आपको पता ही है बहुत खतरनाक तो होता ही है। तो अभी आप देख सकते हैं कि किस तरीके का ये पूरे रास्ते पे हम आगे और एक घने जंगल में अंदर जाते जा रहे हैं, और हम आपको एक इसी का नाइट व्लॉग भी अभी आपको दिखाएंगे, पॉसिबल होगा तो इसी वीडियो में दिखाएंगे, नहीं तो हमें नया एक इसका एक वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि गाइस अभी हमने आपको ये पूरा एक ओवरव्यू दिखाया है इस पूरे जंगल का कि किस तरीके से ये जो संजय वन है ये लगता है। और इसके बाद हम आपको जो बताते हैं लोग कि यहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटी है, जो यहाँ पर जो बच्चों के हंसने की आवाज़ें आती हैं और रोने की आवाज़ें आती हैं, या जिस तरीके की भी जो यहाँ पर एक्टिविटी है वो हम आपको एक या तो इसी व्लॉग में दिखाएंगे, अगर ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बनी तो हम आपको इसी व्लॉग में दिखा देंगे, अदरवाइज फिर हम जो नाइट व्लॉग है उसका हम आपको एक सेपरेट एक वीडियो बनाएंगे हम नाइट व्लॉग का। गाइस ये हमने आपको संजय वन का एक पूरा ओवरव्यू दिखाया है कि किस तरीके का ये जो संजय वन है ये यहाँ से लगता है, और अब हम आपको इसका एक नाइट व्लॉग भी बनाकर दिखाएंगे कि नाइट व्लॉग में ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी यहाँ पर कुछ हमें नज़र आती है या ये एक अफवाह है, ये हम आपको क्लियर कर देंगे कि यहाँ पर क्यों बोला जाता है कि यहाँ पर पैरानॉर्मल जो एक्टिविटी है वो देखी जाती है, सुनी जाती है। और एक नहीं कई कई लोगों ने ये चीज़ हमें भी बोला था कि यहाँ पर कुछ ना कुछ
पैरानॉर्मल एक्टिविटीज रात को देखी जाती है। अब आप ये देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए कितना, एक मोर भी पेड़ पर है, शायद आपको दिख रहा होगा इसमें वीडियो में। तो गाइज आप देख सकते हैं ये नेचर से एक भरी हुई जगह है। मुझे नहीं पता अभी कि यहाँ पर वाकई में कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी है या नहीं है, ये पता चलेगा आपको जब हम इसका नाइट व्लॉग का जो शूटिंग है वो करेंगे, तब आपको हम ये चीज़ क्लियर करेंगे कि यहाँ पर एक्चुअल में कुछ है भी या नहीं, क्योंकि अभी तक तो हमें ऐसा कुछ नज़र आया नहीं गाइस। बट अगर हमें आगे इन फ्यूचर ये चीज़ हमें नज़र आती है तो मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए ज़रूर बताऊँगा, क्योंकि गाइस आप देख सकते हो हम लगातार अब इसमें आगे बढ़ते जा रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा ये घना जंगल है गाइस, मतलब आप ये मतलब एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि दिल्ली में भी इस तरीके की कोई जगह होगी। और ये कोई छोटी से एरिया में नहीं है गाइस, ये किलोमीटर टू किलोमीटर बहुत ही ज़्यादा एरिया में फैला हुआ है। आप देख सकते हैं गाइस ये एक बहुत ही बड़ा एक जंगल है, जो कि शायद ही कुछ ही लोगों को, शायद आई थिंक कुछ ही लोगों को ये चीज़ पता होगी कि यहाँ पर कोई जंगल भी है दिल्ली में। ये देख सकते हैं गाइस हम एकदम बिल्कुल बीच में हैं, यहाँ पर कोई भी नहीं है, ये देख सकते हैं आप, वी आर ऑल अलोन, क्योंकि यहाँ पर एक आबादी इतनी नहीं है इस जंगल के आसपास भी अगर आप देखेंगे तो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कुछ प्रॉपर अंदर भी कई मेरे कोई कुछ जैसे लोग वगैरह वो भी इतने दिखे नहीं है। मेन गेट पर गाइज आप देखेंगे तो आपको सिक्योरिटी गार्ड वगैरह मिल जाएंगे, बट यहाँ पर मुझे कुछ नहीं मिला है, मतलब कोई इंसान, कोई मतलब आबादी यहाँ पर जंगल के अंदर या जंगल के आसपास मुझे नहीं दिखी है। आप देख सकते हैं गाइज लगातार हम आपको ये चीज़ दिखा रहे हैं, और जो होगा वो हम आपको रिकॉर्ड करते जा रहे हैं, और हम इस जंगल से बाहर निकलते जा रहे हैं। अब हम देख रहे हैं, और गाइज मैं आपको बता दूं, एक्चुअली मैं बोल तो रहा हूँ कि मैं बाहर निकल रहा हूँ, बट मुझे नहीं पता कि ये बाहर निकलने का रास्ता है या नहीं है, क्योंकि ये इसमें एक ऐसे ऐसे कई कच्चे रास्ते हैं। अब मुझे भी एक्चुअली में ये नहीं पता कि ये रास्ता सही है नहीं है, बट मैं मान के चल रहा हूँ कि ये रास्ता बाहर जा रहा होगा। आपको मैं दिखा रहा हूँ लगातार कि किस तरीके से हम लोग इसमें चलते जा रहे हैं आगे की तरफ। अब देख सकते हो गाइस बहुत ही बड़ा ये जंगल है, बहुत ही बड़ा जंगल है, आप ये देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि इस तरीके से जो है कि ये इतना बड़ा जंगल होगा, क्योंकि जो मेरा मानना था कि ये हो सकता है कि कुछ एरिया तक होगा, बट बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया, बढ़िया मतलब बड़ा एरिया है ये, सॉरी बहुत बड़ा एरिया है ये, और जंगली जानवर भी हमें देखने को मिले हैं। हाँ शेर वगैरह नहीं बोल सकते आप, हाँ, और बस ये जो नील गाय होती है जैसे, ठीक है, स्नेक होते हैं, हर तरीके के स्नेक यहाँ पर पाए जाते हैं, और जो अलग अलग तरीके के जो बर्ड्स होते हैं वो भी यहाँ पर मिलते हैं। एक्चुअली मुझे ना, मैं ये बार बार मैं चुप इसलिए हो रहा था क्योंकि मुझे ना उस तरफ से कुछ आवाज़ आ रही थी, शायद मुझे लगा था कभी नीलगाय ना आ जाए, इस वजह से मैं उधर की तरफ मेरा ध्यान था। भाई ये बहुत ही ज़्यादा एक अजीब सी जगह है यार ये भी। एक्चुअली मैं गाइस मैं बताऊँ आपको कि हमारा कॉन्सेप्ट ही कुछ ऐसा है कि हम लोग एक अनएक्सप्लोर्ड जो जगह होती हैं हम उन्हीं अनएक्सप्लोर्ड जगह पर ही जाते हैं, तो हम इसलिए ही हमारा ये फ़र्ज है कह सकते हो आप, और ये हमारी ड्यूटी भी है कि हम आपको ये चीज़ इन जगहों पर लेकर जाएँ। हमें पता है कि हमारी जो जान पर भी खतरा होता है, बट फिर भी हम आपके लिए इन जगहों पर आकर पूरा इसको व्लॉग को रिकॉर्ड करते हैं, और इस रिकॉर्ड करने के बाद आपको इन जगहों का पूरा ओवरव्यू आपको बताते हैं, ताकि आप लोग जान सकें कि जो अनदेखी जगह हैं वो किस तरह की लगती हैं, और उनकी कहानियां
सच है या नहीं है वो हम आपको बताते हैं। बने रहिए हमारी वीडियो में। तो गाइस अभी हम ये इस जंगल के बीच में हम आ गए हैं और अब हमें यहाँ पर एक भैरव मंदिर मिला है जो इस जंगल के बीचों बीच बना हुआ है। और ये देखकर मुझे काफ़ी अच्छा भी लगा कि यहाँ पर भी जो है कि भगवान का एक मंदिर दिया हुआ है और एक पॉजिटिव चीज़ भी है यहाँ पर। अभी देख सकते हो कि पेड़ किस तरीके का गाइस, थोड़ा सा पुराना टाइप का पेड़ लग रहा है। यह है मंदिर भैरव बाबा का। तो गाइस ये है भैरव बाबा का मंदिर। ये मंदिर जो है इस संजय वन के बीचों बीच बना हुआ है, आप देख सकते हैं। इस मंदिर को देखकर थोड़ा पॉजिटिव भी फील होता है क्योंकि यहाँ के बारे में बहुत नेगेटिव बोलते हैं लोग कि पैरानॉर्मल एक्टिविटी वगैरह रहती है, बट यहाँ पर इस मंदिर को देख के बहुत अच्छा फील हो रहा है गाइस। आप देख सकते हैं इस जंगल के बीचों बीच ये बनाया हुआ है। और यहाँ पर बताते हैं कि ये जो मंदिर है ये 100 या 150 साल पुराना बताया जाता है। ये आज का मंदिर नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा पुराना मंदिर है, आप देख सकते हो। और यहाँ पर साधु जो होते हैं वो अपनी साधना और पूजा पाठ वगैरह भी यहाँ पर करते हैं, आप देख सकते हैं गाइस। ये है वो भैरव बाबा का मंदिर। पास कोई ऐसी चीज हमें नजर नहीं आई, लेकिन सडनली एक लाइट आती है जैसे कि बिजली टाइप नहीं होती जो आसमानी बिजली होती है, जबकि बादल है ही नहीं, कुछ भी नहीं। वो लाइट आती है और ऐसे ऐसे लाइट आ गया, एक दो बारी यहाँ चेंज थी, ऐसे टिच टिच की आवाज आती है जैसे बिजली की लगती है, वही आवाज। उसके बाद वो बात की हमें कुछ, हमारे साथ यही एक्सपीरियंस हुआ है इस जंगल में, और कुछ नहीं है।